नमस्ते। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर और वाटर लेवल, यानी जल स्तर पर वायु के दबाव का प्रभाव। आपने पानी को तो नीचे बहते हुए देखा ही होगा, पर आज मैं आपको जादू से पानी को ऊपर चढ़ते दिखाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इस प्रयोग के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले एक कटोरा यानी कि बोल, पानी यानी कि वाटर, कुछ माचिस की तीलियां, क्ले, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां, और आखिर में इंक यानी कि स्याही। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रयोग के लिए हमें कैसी व्यवस्था करनी है। हम देख सकते हैं कि क्ले के टुकड़ों को हमने कटोरे के नीचे रखा हुआ है। इन टुकड़ों पर हम ग्लास को रखेंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि हमने पानी को स्याही से रंगीन बना दिया है। और हाँ, मोमबत्ती को कटोरे के बीच फंसाना ना भूलना। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रयोग करने पर क्या होता है। विश्वास हो गया ना आपको कि मुझे जादू आता है? दरअसल ये जादू नहीं पर विज्ञान का कमाल है, विशेष रूप से हवाई दबाव का कमाल। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब मोमबत्ती जलती है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म कर देती है और इसी कारण खुद भी बुझ जाती है। ग्लास के अंदर का दबाव कम हो जाता है क्योंकि अब ग्लास के अंदर कम गैस है। वैक्यूम की स्थिति बन जाती है। बाहर के वायु के दबाव पानी को ग्लास के अंदर धक्का दे देता है और इस तरह पानी ग्लास के अंदर चली जाती है। अगर हम दो मोमबत्तियां रखें तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं कि पानी का स्तर पिछले बार के मुकाबले ज्यादा ऊपर तक उठा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो मोमबत्तियों के कारण ग्लास के अंदर जो गैसें थी वो ज्यादा खत्म हुई हैं और वो कम हो गई हैं, जिससे कि ग्लास के बाहर का हवा का दबाव का ज्यादा प्रभाव पड़ा और पानी ज्यादा ऊपर आ गया। इस सिद्धांत को हम पंप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पंप में वैक्यूम पैदा होता है पर वो मोमबत्ती से नहीं बल्कि पंप के अंदर एक मोटर के घूमने से होता है। वो वैक्यूम पानी को खींच लेता है। हम आगे और भी एक्सपेरिमेंट्स लेकर आएंगे। धन्यवाद।